नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JEE मेंस रिजल्ट 2022 हाइलाइट्स के बारे में। देखो, जब हम किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और किसी एग्ज़ाम और उसका एग्ज़ाम भी दे चुके होते हैं, तो हम सबको रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो इस वीडियो में JEE मेंस 2022 रिजल्ट्स हाइलाइट्स के बारे में जानेंगे। तो जो स्टूडेंट JEE मेंस का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, तो वो NITs, GFTIs एंड JEE मेंस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, उसमें एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और JEE मेंस एग्ज़ाम डेट 2022 दो सेशन में इस बार JEE मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से सेशन वन का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 23 जून से 29 जून के बीच में हुआ था, एंड सेशन टू का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हुआ था। JEE मेंस रिजल्ट डेट, सेशन वन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है 10 जुलाई को, और जो स्टूडेंट्स सेशन टू में अपियर हुए थे उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, आने को ही है, कभी भी आ सकता है। NTA JEE मेन रिजल्ट वेबसाइट, और रिजल्ट हम चेक कहाँ से करेंगे उसके लिए हम ये तीन वेबसाइट्स दी हुई हैं, हालांकि तीनों ही NTA की वेबसाइट हैं, तो यहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो JEEMAN.NTA.NIC.IN से भी चेक कर सकते हैं, NTARESULTS.NIC.IN से भी चेक कर सकते हैं, या कि फिर डायरेक्टली NTA.AC.IN से भी चेक कर सकते हैं आप। JEE मेंस एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी, जब हम किसी एग्जाम को दे रहे होते हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि कंडक्ट कौन करवाता है JEE मेंस एग्जाम। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है JEE मेंस एग्जाम। एंड JEE मेंस रिजल्ट डिक्लेरेशन मोड, JEE मेंस का जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन मोड में डिक्लेयर होगा। अब प्रीवियस ईयर की हम बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में 100 परसेंटाइल कई सारे बच्चों ने स्कोर किया था, तो पिछले साल, इस साल जो JEE मेंस हो रहा है वो दो सेशन में हुआ है, लेकिन पिछले साल चार सेशन में हुआ था JEE मेंस एग्जाम। तो सेशन वन में 6 बच्चे ऐसे थे जो 100 परसेंटाइल स्कोर किए थे, एंड सेशन टू में 13 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था, एंड सेशन थ्री में 17 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था, एंड सेशन फोर में 44 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक सिंपल सी कोशिश थी आपको इन्फॉर्म करने की। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।